ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन शहर वासियों ने बजट को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को पूंजीपतियों का बजट बताया और कहा कि बजट में मझले व्यापारियों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई, जिससे छोटे व्यापारी बड़ी बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सोलन शहरवासियों ने बजट को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को पूंजीपतियों का बजट बताया और कहा कि बजट में मझोले व्यापारियों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है, जिससे छोटे व्यापारी बड़ी बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वहीं कुछ शहरवासियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वायदे 2019 में किए थे, अगर वे वायदे सरकार पूरा करती है तो जनता को बेहद राहत मिलनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों में भारी निराशा देखने को मिल रही है। वहीं कुछ व्यापारियों ने बजट की बेहद प्रशंसा की और कहा कि मोदी सरकार ने व्यापारियों का हमेशा ख्याल रखा है और इस बार भी उन्हें पेंशन देने की घोषणा की है, जो मामूली कदम नहीं है, इसलिए वे बजट को व्यापारियों के हित में मान रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल सिंगल रिटेल के अंदर गवर्नमेंट ने ओपन कर दी थी लास्ट बजट में, जिसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे और मीडियम दुकानदार को है, जिसकी फाइट डायरेक्ट बहुत बड़े प्लेयर से हो जाएगी, जैसे वॉलमार्ट है, जैसे टेक्सो अमेरिकन कंपनी और जैसे अमेजोन है, तो इन लोगों के साथ एक छोटा दुकानदार नहीं लड़ सकता। तो हमारे को ये एक तो हम ये चाह रहे थे गवर्नमेंट से कि वो एक मीडियम दुकानदार छोटे दुकानदारों के लिए कोई अच्छी सी पॉलिसी बनाती, ऐसा कुछ भी ड्राफ्ट पे नहीं था। और सबसे बड़ा देश के अंदर जो इस वक्त संकट है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जो बड़ी उम्मीद थी कि कोई ना कोई अनाउंसमेंट, कोई पर्टिकुलर अनाउंसमेंट करेंगी, मोदी साहब इतने मेजॉरिटी के साथ विन के आए हैं और वो दिल दिल में बसते हैं लोगों के, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। पर मैं तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें अभी भी अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को यही कन्वे करना चाहेंगे कि ये एग्जम्पशंस जो हैं वो बढ़ाई जाएँ। आज भारत की संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, जिसको देखकर सुनकर जनता को भारी निराशा हुई। एक निराशाजनक बजट आज वित्त मंत्री ने पेश किया, जिसमें किसी प्रकार की राहत कोई भी किसी को नहीं दी गई और सिर्फ 2024 के सपने दिखाए गए, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है और किसी प्रकार से संभव नहीं है। जो भी बात की गई, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, छोटे व्यापारियों की बात हो, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, सिर्फ उन्हें सपने दिखाए गए। हम तो ये कहते हैं कि जो 2014 में वादे किए थे, अगर आप उन्हीं को पूरा कर देते, उन्हीं बातों को पूरा कर देते तो लोगों को काफ़ी राहत मिलती, मगर सरकार ने दिया कुछ नहीं, एक तरफ से घुमा के दूसरी तरफ से जेब से पैसे निकाल लिए। जो एक किसी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं छोटे व्यापारी, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते, तो ना उन्होंने किया है। अब देखो ना कि 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है कि जिसने हमेशा लगातार गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए हैं उसको कम से कम एक राहत तो दी है। आज तक कभी किसी ने ये इस बारे में सोचा ही नहीं था। और 5 लाख रुपये तक का जो रिबेट है वो भी एक बड़ी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे रखा है। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या मोदी गवर्नमेंट जो है हमेशा व्यापारियों का साथ देगी और साथ देती रही है, और मुझे इस निर्मला सीतारमण जी से पूरी आशा है कि वो हमेशा हमारा साथ देंगी और देती रहेंगी।